हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत आसान सा नुस्खा ये बताएंगे कि बहुत से लोगों के होठों पे कालापन आ जाता है, होठ फटे फटे रहते हैं और होठों का गुलाबीपन जो है एक छूट सा जाता है, क्योंकि हमारे पॉल्यूशन, आसपास इतना पॉल्यूशन है और हम अपनी स्किन को ध्यान ही नहीं दे पाते और पार्लर जाने का बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। तो आप घर में ये नुस्खा बना के अपने होठों को फिर से पहले जैसा बेबी सॉफ्ट की तरह पिंक और मुलायम बना सकते हैं और इसका रूखेपन को, कालेपन को दूर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ही सेकेंड्स में बताती हूँ कि ये पैक कैसे तैयार होता है। इसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले लेंगे, ये थोड़ा सा दही ले लेंगे। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स, और दही जो है हमारे स्किन के लिए बहुत काम देता है। ये ब्लीच की तरह काम करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। दही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, कालेपन को दूर करता है और हमारे स्किन को गोरा बनाता है। इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे ग्लिसरीन, ये आपको मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिल जाएगी। थोड़े से इसमें हम ग्लिसरीन अप्लाई करते हैं, ये हमने थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन डाली है। ग्लिसरीन हमारे स्किन के रूखेपन को फ्रेंड्स दूर करने में बहुत मदद करती है। जो हमारी स्किन एकदम रूखी ड्राई हो जाती है उसके उसमें हेल्प करती है। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा शहद। फ्रेंड्स हम ये शहद लेंगे, शहद आप ओरिजिनल ही लिए, ऑर्गेनिक लिए, ताकि आपका जो है, क्योंकि आप इसे स्किन पे, और बहुत नाजुक हिस्सा है होठ जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी पतंजलि का, डाबर का, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही आप शहद यूज़ करें तो बेस्ट है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिल गए हैं। और लास्ट हमारा है गुलाब जल। तो गुलाब जल जो होता है ये हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा करता है। तो हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे फ्रेंड्स, दो चार बूंदें आप डाल दीजिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा रह गया है नींबू। नींबू हमारी स्किन के लिए कालापन को दूर करता है और गुलाबीपन लाने में हमारी स्किन की मदद करता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छे ब्लीच का काम करता है, जो डेड सेल्स को निकालने में मदद करता है, जो मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स हो जाते हैं और सब होठ वगैरह मतलब काले हो जाते हैं। और कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करने से, लिपस्टिक्स वगैरह से, एक नेचुरलिटी हमारे लिप्स की चली जाती है। उस नेचुरलिटी को वापस लाने के लिए मैं आपको ये पैक बताती हूँ। और हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बाउल में गुनगुना पानी लेना है और रात में सोने से पहले जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको, मैं अपने हैंड पे आपको करके दिखाती हूँ, गुनगुने पानी से अपने लिप्स को ऐसे करके आपको पोंछना है। आपको अपने लिप्स को ऐसे करके अच्छे से गुनगुने पानी से पोंछना है, लाइट वार्म वाटर। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पैक आपने बनाया है इसको हल्के हल्के ये फिंगर्स से अपने लिप्स पे फ्रेंड्स मसाज करनी है। ये आप इसको मसाज करेंगे 5 मिनट्स, आपको मसाज करनी ही करनी है। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद आप इसको 15 to 20 मिनट्स इस पैक को लगा छोड़ देंगे। और फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर इसको आपको गर्म पानी से अपने लिप्स को फिर से पोंछ लेना है। और इसको पोंछने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा ये करना है कि ये नारियल का ऑयल अपने होठों पे हल्का सा 2-3 बूंद अप्लाई करके और हल्के हाथ से फिर 5 मिनट्स मसाज करके आपको सो जाना है। फ्रेंड्स आप इसको 3 to 4 days यूज़ करिए। और मैं आपसे कहती हूँ कि 3 to 4 days आप इस पैक को यूज़ करेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको बहुत अच्छा नेचुरल आपको खुद महसूस होगा, आपके होठ एकदम गुलाबीपन आने लगेगा, कालापन जाने लगेगा। और अगर आप इसको 1 month per day इस्तेमाल करते हैं तो एक बेबी पिंकिश की तरह आपके होठ हो जाएंगे। और इस लोशन को आप स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके 2 या 3 days आप इसको फ्रिज में रख के आराम से चला सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों एक बहुत अच्छी सी अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।